हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी आर्मी के ऊपर। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आप भी कैसे आसानी से डेजर्ट से हेडशॉट मार सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो इंट्रो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में गिव अवे चल रहा है। इस गिव अवे में अगर आप जीतते हो तो आपको आपके साथ खेल के हीरो पहुँचा दिया जाएगा। हमारे पिछले वीडियो के विनर का नाम इस वीडियो के बीच में बताया जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें। इंट्रो के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि आप भी डेजर्ट से आसानी से हेड कैसे मार सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने सेंसिटिविटी के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्मूथ पे खेलता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का रैम बहुत ही कम है। तो अगर आपका भी मोबाइल का रैम बहुत कम है तो आप स्मूथ पे खेलना प्रीफर करो। तो सेंसिटिविटी में जनरल को आपको हमेशा 100 पे रखना है, क्योंकि इससे आपका मूवमेंट बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपका मूवमेंट अच्छा होगा तभी आप आसानी से हेड मार सकते हो। दूसरा हमारा रेड डॉट है, जिसको आपको 80 से 100 के बीच में रखना है, जिससे कि आपका ड्रैग आसानी से उठ सके। रेड डॉट को 80 से कम कभी मत रखना, क्योंकि इससे आपका बुलेट बॉडी पे चिपक जाएगा। इसमें 2x, 4x और AWM की सेटिंग की बात नहीं है, तो आप इसको जितना चाहे उतना रख सकते हो। मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप इसको भी हमेशा 100 रखो, जिससे कि आपका मूवमेंट आसानी से हो सके। तो बढ़ते हैं हमारे कंट्रोल के ऊपर। इसमें आपको एम को हमेशा डिफॉल्ट पे रखना है, जिससे कि आपका एम हमेशा बंदे को लग सके। तो चलिए बताते हैं अब हम कि कस्टम हेड में आपको क्या क्या सेटिंग करने हैं, जिससे आपका हेड आसानी से लग सके। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका जो फायर बटन है, इसको आपको छोटा रखना है। आप इसको 30 से 40 के बीच में रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको इस फायर बटन को कहाँ पे रखना है, कैसे सेट करना है, जिससे कि आपका हेड आसानी से लग सके। आपको इसके अपने जंप वाले बटन के इक्वल रखना है, जिससे कि आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर आसानी से जा सके। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपका फ़ोन का रैम अगर 4GB, 6GB, 8GB रैम वाला है तो आपको क्या सेटिंग रखनी है। इसके लिए आपको फायर बटन को नीचे रखना है थोड़ा, और थोड़ा बड़ा रखना है, जिससे कि आप आसानी से ड्रैग उठा सके। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक गिव अवे के ऊपर। हमारे पिछली वीडियो के गिव अवे के विनर है प्रभु विशाल। आप गिव अवे जीत चुके हैं, इसलिए आपको ओपी बॉस के नाम से रिक्वेस्ट जाएगा। आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद आपके साथ खेल के आपको हीरो पहुँचा दिया जाएगा। जो भी बंदे गिव अवे नहीं जीत पाए हैं तो उनके लिए इस वीडियो में फिर से गिव अवे है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कमेंट करना है #onlyheadshot के साथ अपनी UID और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको पता लग सके कि इस वीडियो का विनर कौन है। तो आइए लौटते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि आप भी कैसे डेजर्ट से हेडशॉट मार सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला टिप्स होने वाला है कि आपको हमेशा अपना एम अपने चेस्ट के ऊपर रखना है, जिससे कि अगर आप थोड़ा सा भी ड्रैग करते तो बुलेट एनिमी के डायरेक्ट हेड पे जाके लगे। हमारा दूसरा ट्रिक यह होने वाला है कि अगर बंदा बहुत दूर रहे तो आपको क्या करना है। आपको सिर्फ बंदे पे एम ले जाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ड्रैग करना है, फिर बंदे को डायरेक्ट हेड लग जाएगा। हमारा तीसरा टिप्स यह होने वाला है कि हम जब भी ड्रैग कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि हम किधर ड्रैग कर रहे हैं। अगर बंदा जिस साइड दौड़ रहा है उसी साइड ड्रैग करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारा चौथा टिप्स यह होने वाला है कि अगर बंदा खड़ा है तो आपको सिर्फ थोड़ा सा सीधा ड्रैग करना है। हमारा पांचवा टिप्स यह होने वाला है कि आपको क्विक ड्रैग करना होगा।
क्विक ड्रैग में आपको जैसे ही बंदे को आप देखते हो तुरंत ड्रैग ऊपर कर देना है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोक दीजिए दबा के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर लाऊंगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर आप हीरोइक जाना चाहते हैं तो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करें। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ हैशटैग ओनली हेडशॉट के साथ कमेंट करना है अपनी YD। धन्यवाद।